स्वागत है आपका दोस्तों कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। बिहार विधानसभा का जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे इंक्वायरी आ रही थी, तो ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हो चुका है। और जो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम जो शेड्यूल जारी हुआ है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2018 एंड 02/2018 से रिलेटेड का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हो चुका है। और इसका जो मॉक टेस्ट है फॉर CBT, इसका लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है। तो जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पहला बार जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, वो यहाँ पे एक बार मॉक टेस्ट देकर अपना प्रैक्टिस कर लेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम होगा, किस तरह से उन्हें आंसर करना है, किस तरह से माउस क्लिक करना है, वो सारा यहाँ पे मैं डिटेल में अभी बता दूंगा। और वो भी एक बार खुद से ये मॉक टेस्ट देकर चेक कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले व्यू एग्ज़ाम शेड्यूल जो है इसे मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि क्या क्या इसमें नोटिस आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2018 था वो जूनियर क्लर्क के पोस्ट के लिए था, और जो 01/2018 है वो असिस्टेंट रिसर्च, रेफरेंस असिस्टेंट्स, असिस्टेंट लाइब्रेरी असिस्टेंट, उर्दू असिस्टेंट, उर्दू ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर इंग्लिश हिंदी, असिस्टेंट केयर टेकर का था। तो चलिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2018 का एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम शेड्यूल और टाइमिंग सब सारा कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जूनियर क्लर्क के लिए। तो जूनियर क्लर्क के लिए देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 02 के लिए देख लीजिए, टेस्ट डेट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 से लेके 15 दिसंबर के बीच में इसका टेस्ट डेट है जूनियर क्लर्क का। और असिस्टेंट के लिए है जो अभी मैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 बताया था, वो 18 से लेके 24 दिसंबर के बीच में ये होगा। तो चूंकि ये 2-3 दिन में होगा तो इसलिए ये रेंज यहाँ पे डेट, टेस्ट डेट बता दिया है कि 12 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच क्लर्क का एग्ज़ाम होगा, यानी कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 02। और ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 है उसका जो असिस्टेंट का जो पोस्ट है वो 18 से लेकर 24 दिसंबर के बीच में होगा। बैच टाइम देख लीजिए, यानी कि एक दिन में 3 बैच का एग्ज़ाम होगा। बैच 1 जो होगा स्टार्ट वो 8:30 से 10:30, और जो बैच 2 है वो 12 PM to 2 PM, एंड बैच 3 है वो 3:30 से 5:30 PM के बीच में होगा। उसी तरह असिस्टेंट के लिए भी वही सेम बैच है। एडमिट कार्ड जो आएगा वो क्लर्क के लिए आपका आएगा, क्लर्क के लिए जो एडमिट कार्ड आएगा वो 1 दिसंबर को आ जाएगा, आपका लाइव आ जाएगा। और जो असिस्टेंट के लिए आएगा वो 5 दिसंबर को लाइव आ जाएगा 11 AM, दोनों में 11 AM के बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो देख लीजिएगा क्लर्क के लिए 1 दिसंबर को 11 बजे के बाद, और असिस्टेंट के लिए 5 दिसंबर को 11 बजे के बाद आपका एडमिट कार्ड लाइव हो जाएगा। और जो कैंडिडेट्स को लगता है कि वो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसे फैमिलियर नहीं है, तो वो यहाँ पे एग्ज़ाम टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं कि कैसे उसे करना है। तो जब भी वो मॉक टेस्ट देंगे तो कंप्यूटर या लैपटॉप पे खोलकर इसी वेबसाइट को, मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन में, दोनों में वहाँ पे आप जाइएगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसे खोलकर यहाँ पे जो मॉक टेस्ट है क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा। लॉगिन आईडी आप देख लीजिए, यहाँ पे लॉगिन आईडी लिखा हुआ है BVSMOCK, एंड पासवर्ड में आप डालिएगा #0101/1999। तो ये आप अपना पासवर्ड यही डालिएगा, ठीक है जी। यहाँ पे जो लिखा गया है लॉगिन और पासवर्ड, तो इस फॉर्मेट में आप लॉगिन कर लीजिएगा और मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता चल गया होगा कि क्लर्क एंड असिस्टेंट यानी का एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो सारा इसमें डिटेल मैंने आपको बता दिया है। रहा बात अब, बहुत सारे बोल रहे हैं कि रिपोर्टर, पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर के लिए, और जो 01 जो इंटरव्यू के लिए था, इसका फिर आपको मैं बाद में वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं वो वीडियो बनाऊंगा तो वो अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। तो इसलिए मैं
एडवर्टाइजमेंट नंबर 0304 का जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा। तो ये था डिटेल, और आप देख सकते हैं कि जैसा कि, तो इसलिए एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है दोस्तों, और आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। और यहाँ पे और कुछ डिटेल दिया गया है कि जैसे कि आप यहाँ पे जो बनेगा, जो मेरिट बनेगा वो परसेंटाइल इक्वेटिंग मेथडोलॉजी से बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया गया है, इसे भी आप क्लिक करके आप सारा डिटेल देख सकते हैं। मैं वो सब ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल एग्ज़ाम डेट और किस कब कब एग्ज़ाम है, किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाएगा, कितने बैच में होगा एग्ज़ाम, वो सारा मैंने आपको डिटेल दे दिया हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।